अगर कोई रस्पा बौली पौड़ी आदि बनाना होती थी, ठीक है, बोझा ढोना डोली डाली उठानी होती थी तो चौकीदार द्वारा गांव गांव में आवाज लगाई जाती थी। काम की मजदूरी नहीं दी जाती थी, काम की मजदूरी नहीं दे जा दी जाती थी, बघार नभाई जाती थी। बघार कहते थे, चलो बघार है, कल कल बघार को आ जाना सबने। काम की मजदूरी नहीं दी जाती थी, बघार नभाई जाती थी। अगर कोई सड़क बौली आदि बनानी होती थी, बोझा ढोना डोली डाली उठानी होती थी, अगर कोई रास्ता बौली पौड़ी आदि बनानी होती थी, बोझा ढोना डोली डाली उठानी होती थी, तो चौकीदार द्वारा गांव गांव में आवाज लगाई जाती थी। काम की मजदूरी नहीं दी जाती थी, बघार नभाई जाती थी। फटे पुराने कपड़े सबके, फटे पुराने कपड़े सबके, कपड़ों पे सौ सौ टाकी होती थी। सही बात। कपड़े धोने के लिए पैसे नहीं होते थे जेब में, पशुओं के गूतर से कपड़े धोए जाते थे। ठीक ठीक ठीक। पशुओं के गूतर से कपड़े धोए जाते थे। अगर कोई दुर्घटना हो जाती थी, अगर कोई दुर्घटना हो जाती थी तो सूचना पहुंचाने की कोई सुविधा नहीं होती थी, आवाजों पे आवाजें लगाई जाती थी और सूचना पहुंचाई जाती थी। यहाँ से आवाज लगानी, 1 किलोमीटर तक आवाज, उसके बाद उन्होंने आगे लगानी, इस तरह से जो है ये सूचना दी जाती थी। प्यार मोहब्बत सब में पूरी थी, आपस में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था, खूब भूखे प्यासे बेशक रहते, चोरी कभी नहीं करते थे। भूखे प्यासे बेशक रहते, चोरी कभी नहीं करते थे। जब देश आजाद हुआ तो इस देश के गांव की हालत कैसी थी, ये मैंने अपनी आंखों देखी तस्वीर आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात।